माफिया ने एक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और किसी दौर में सरकारी जमीन पर आयुर्वेदिक अस्पताल खुला था, वहां आज मकान और दुकान है। आलम यह है कि अधिकारियों को इस अवैध कब्जे की खुकानोकान खबर तक नहीं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है वो जिला पंचायत की जमीन है। यहाँ किसी जमाने में आयुर्वेदिक अस्पताल हुआ करता था, एक ऐसा अस्पताल जहाँ लोगों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए किया जाता था। लेकिन बदलते दौर में लोगों ने एलोपैथी की ओर रुख कर लिया तो अस्पताल गायब हो गया। मतलब ये कि अब नाम के इस अस्पताल पर भू माफियाओं का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बुलडोजर से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के जो अन्य राज्य हैं वो भी थरथराते हैं। लेकिन भूमाफियाओं का आप हौसला देखिए कि सरकार का 1940 में बनाया हुआ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो जिला पंचायत के अधीन है, जिला पंचायत की जमीन पर बना हुआ है और उस पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। आप देख रहे हैं ये वही अस्पताल है जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा है, और कब्जा भी ऐसा वैसा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक पीछे दो आपको जो दो दुकानें नजर आ रही हैं, ये दोनों दुकानें भी इसी जमीन पर हैं, यानी जिला पंचायत की जमीन पर ही ये दुकानें हैं और इन दुकानदारों ने सरकार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। अस्पताल अपने आप में आंसू बहा रहा है, इसकी स्थिति बता रही है कि यह अस्पताल जितना पुराना है उतना ही इस पर कब्जा भी हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, इस बोर्ड पे लिखा है गंगा बक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड औषधालय बंथरा। बंथरा की इमारत है और ये 24/5/1940 में बनकर तैयार हुई थी। आलम यह है कि आज इस सरकारी जमीन पर मकान और दुकान बनाकर प्रशासन को चैलेंज किया जा रहा है कि रोक सको तो रोक लो, हम तो प्रशासन के दांत के नीचे दबंगई करेंगे, कब्जा करेंगे। ये वो अस्पताल है जो अपने आप में आंसू बहा रहा है, जहां सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं स्वास्थ्य विभाग के लिए चलाई जाती हैं, तो वहीं भूमाफियाओं के द्वारा इन योजनाओं को पानी फेरने के लिए